चमगादड़ का किलर अटैक आज दुनिया भर में जग जाहिर है। ये लटकती उल्टी है मगर इनकी हरकतें भी उल्टी ही पाई गई। कोरोना वायरस भी चमगादड़ों की देन मगर शोध अब भी जारी। यह वायरस अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को शिकार बना चुका है। इस जानलेवा वायरस से दुनिया भर में हाई अलर्ट। दुनिया भर में चमगादड़ मौत बांट रहे हैं एक ऐसे वायरस के जरिए जिसकी दवा फिलहाल मौजूद नहीं। अगर आप भी चमगादड़ों के करीब है सावधान हो जाइए। रात के अंधेरे में वो निकलते हैं सन्नाटे में, ढूंढते हैं अपना शिकार। कोई फल खाता है तो किसी को रहती है खून की प्यास। इन मामूली से दिखने वाले चमगादड़ों ने दुनिया को दहशत में डाल दिया है। वर्ष 1998 मलेशिया में फैला निपाह वायरस। ये वायरस ऐसे चमगादड़ों से फैला था जिन्हें फ्रूट बैट कहते हैं। चमगादड़ों ने जिन फलों को खाया था उन्हीं फलों से जानवरों से होता हुआ यह वायरस इंसानों में पहुंचा। बांग्लादेश के जरिए भारत में भी पहुंचा था निपाह वायरस। निपाह वायरस की वजह से केरल में भी मचा था मौत का महातांडव। अब तक चमगादड़ों को किसानों का परम मित्र माना जाता था। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को ये चमगादड़ पल भर में ही नष्ट कर देते हैं। मगर अब चमगादड़ों को लेकर हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। इबोला वायरस, यह सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया। पसीने और लार में फैला था इबोला। इबोला वायरस में भी चमगादड़ों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इबोला वायरस यह एक अजीब तरह की बीमारी थी। इसमें खून का गंभीर तरह से रिसाव होता था। अंग पूरी तरह न्यूट्रल हो जाते थे। बुखार सिरदर्द के साथ खून की उल्टियां होती थी। इलाज से पहले मृत्यु का आंकड़ा बहुत ज्यादा था। चमगादड़ दिखने में बड़े शांत नजर आते हैं। दिन भर अंधेरी गुफा व पहाड़ों में आराम करते हैं। रात में निकलती है ये मौत की फैक्ट्री। 1000 के आसपास है इनकी प्रजाति। 150 तरह के वायरस ये लेकर घूमते रहते हैं। इनका पूरा जीवन काल 30 से 40 वर्ष के आसपास रहता है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के विशेषज्ञों ने जब कोविड-19 की जीनोम सीक्वेंसिंग की तब पाया कि 96% चमगादड़ों से मिलती है। चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है। स्तनधारियों में यही एकमात्र ऐसा जीव है जो आकाश में भी उड़ सकता है। रेबीज, यह भी एक वायरस जनित बीमारी है। यूं तो यह कुत्तों से फैला है मगर अमेरिका में चमगादड़ों से भी रेबीज फैला था। टीकाकरण अभियान से अब रेबीज का खतरा टल चुका है। वर्ष 2002 सार्स वायरस भी चमगादड़ों से ही फैला था। दुनिया भर में 1000 के आसपास मौतें हुई थी। सार्स वायरस चमगादड़ों से बिल्ली में होता हुआ इंसानों में पहुंचा था। ये मामूली सा दिखने वाला जीव दुनिया को इतने बड़े खतरे में डाल सकता है शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिर ये चमगादड़ अपने आप को सुरक्षित कैसे रखते हैं? चमगादड़ के शरीर में एक खास तरह का एंटीबॉडी पाया जाता है जिससे चमगादड़ इम्यून सिस्टम काफी तेज हो जाता है। इसी वजह से ये खुद को कभी संक्रमित नहीं होने देते हैं।